बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की तमाम जॉब्स के बारे में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, अपने टॉपिक सेट करें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि भाई हम सिफारिश किससे करवाएं कि हमारी नौकरी लग जाए, और इसके अलावा बहुत सारे भाई पैसों के हवाले से बात करते थे कि क्या क्या कितने पैसों में जो हमें ASF या पुलिस या किसी और जो है डिपार्टमेंट की जॉब मिल सकती है, तो हम कितने पैसे पे करें तो हमारा काम बन सकता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा भाइयों के जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, इंटरव्यू के लिए कॉल टेस्ट के कितने दिन बाद आती है, क्या मैसेज आता है या कॉल आती है हमें, उसका क्या प्रोसेस होता है, और इसके अलावा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, एक सीट के लिए कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के इन तमाम सवालात का जवाब आप लोगों को इस तशरीह से समझाऊंगा जिससे आप लोगों को 100% आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा जो तीन मेन क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वन बाई वन में सबको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले दो तीन क्वेश्चन ये थे, मैंने तमाम अपने पास लिख लिए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो ये कि टेस्ट के कितने दिन बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या मैसेज आता है या इसका क्या प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो भाई हैं वो कमेंट्स कर रहे थे। तो टेस्ट के बाद आप लोगों के मैक्सिमम 40 से 45 दिन लग जाते हैं। 40 दिन आप लोगों ने अपने जहन में 100% रख लेना है, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट होता है सबसे पहले उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद फिर कुछ डिपार्टमेंट में आप लोगों की मेरिट लिस्टें लगती हैं और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप लोगों ने अपने जहन में 40 से 45 जो दिन हैं वो आप लोगों ने रख लेने हैं कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसके अलावा जो बात करते हैं कि आप लोगों को किस ज़रिए से कॉल करेंगे, क्या वो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट चल रहा था, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, वो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर वो अपना जो पैगाम भेज देते हैं तो हमें वहाँ से पता नहीं चल सकता, जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू रह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी जो जॉब्स होती है आप लोगों की, उसके लिए जब आपका इंटरव्यू होता है उसके लिए पहले आप लोगों को मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी होती है, अगर नहीं होती तो फिर आप लोगों को मैसेज भी आ जाता है। उसके अलावा आप लोगों को मैसेज करते हैं कि अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों ने कॉपीज़ जो अटेस्ट करवा के लानी होती हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कॉल करके वो आगाह भी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों को कॉल इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज करते हैं या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर टू है उसकी तरफ जाते हैं हम। तो यहाँ पर एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि एक सीट के लिए कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो बात है इंटरव्यू वाली, तो यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ASF की और है इसमें प्रोसेस, पुलिस का और होता है, फैमिली वेलफेयर का इसमें और प्रोसेस होता है, हर जो डिपार्टमेंट है उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि जब सबसे पहले हम यहाँ पर जो ASF की जॉब्स की बात कर लेते हैं, अगर ASF जॉब में आपने अप्लाई किया होता है तो फिर एक जो कैंडिडेट है यानी एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मीन एक सीट के लिए 5 लोग इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। जबकि यही बात अगर हम पुलिस में करें तो पुलिस में एक जो सीट होती है उसके लिए सिर्फ एक बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आप लोगों को डिफरेंस आई होप के समझ आ चुका होगा। और अगर हम इसी तरह बात कर लें फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की, तो वहाँ पर भी एक सीट के लिए सिर्फ एक बंदे को बुलाया जाता है, तो ठीक है। तो ये किस तरह होता है, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ASF वालों का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों का, तो वो क्या करते हैं, वो हाईएस्ट जो है अप टू बॉटम जो है, अगर 100 वैकेंसीज है तो उसके लिए अप टू बॉटम वो 500 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। जबकि पुलिस में ऐसा होता है कि वो सबसे पहले ईटा की मेरिट लिस्ट देखती है, तो ईटा की मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है सीट की वैकेंसीज़ की, ठीक है, तो वो सिर्फ ईटा वाले उन्हीं लोगों का नाम भेजते हैं आगे डिपार्टमेंट को, ठीक है। बाकी जो लोग होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है।
जबकि एएसएफ में ये प्रोसेस नहीं होता और फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट में भी सेम प्रोसेस होता है जिस तरह पुलिस का होता है, तो उनकी भी मेरिट लिस्टें लगती हैं और उनको भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह जो है एएसएफ में चांसेस कम होते हैं जो लोअर नंबर वालों के, जबकि बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जिन कैंडिडेट को एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वहाँ उनकी सिलेक्शन के 100% में से 90% चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो ये है कि सिफारिश किससे करवाई जाए ताकि आप लोगों की नौकरी लग जाए। तो सिफारिश के हवाले से बात यह है कि सबसे पहली बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने की अल्लाह ताला ने सलाहियत अता की, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, हर बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं हम सिफारिश की, तो सिफारिश तो अगर आप लोग सोचें सबसे पहले कि अगर आप लोगों ने किसी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, फिर आप लोग सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी करते हैं, जैसे ही आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट पास होता है उसके बाद आप लोग अपनी मेहनत करके रात दिन अपना एक करके आप लोग उसके रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आप लोग उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू की आप लोग तैयारी करते हैं, फिर आप लोग उसके इंटरव्यू को पास करते हैं, इंटरव्यू को पास करने के बाद अब आप लोगों के जो है फ़ाइनल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब फिर आप लोग सोचते हैं हम किसी से सिफारिश करवाएँ, अगर आप लोग किसी से अपनी सिफारिश करवाते हैं तो फिर आपकी जो सीट है तो आप किसी और की जगह की सीट ले लेंगी, ठीक है, तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा बल्कि आप किसी के हक को बालादस्ती छीनेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए आपकी वो नौकरी जो सिफारिश की होगी वो आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने अल्लाह पर यकीन रखना है, आप लोगों ने अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है, और क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए वही करते हैं जो इंसान के हक में अच्छा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी से सिफारिश नहीं करवानी बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है, अपने आप लोग जिस तरह मेहनत करते हैं और इसी तरह अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतर सिला देने वाला है। बाकी जो बात रही आप लोगों की नौकरी की तो वो आप लोगों का मुकद्दर है, अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में वो रिज़्क अता किया होगा उस नौकरी का तो अल्लाह ताला आप लोगों को ताला जो है आपको वो नौकरी दिलवाएंगे, अगर आप अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए उस नौकरी में नौकरी का रिज़्क नहीं रखा हुआ तो वो अगर आपके नसीब में नहीं है तो फिर आप लोग किसी सिफारिश क्या करवा लें, बल्कि आपने जो जो करना है तो आप करवा लें तो आप लोगों की फिर भी जॉब नहीं लगेगी। तो बाकी अल्लाह ताला पर आप लोगों ने भरोसा रखना और आपने जो है अपनी मेहनत से काम करना है, ठीक है। तो मेहनत का सिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, तो आप लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी नौकरी हासिल करनी है जो कि आप लोगों के रिस्क के हलाल हो और आप लोगों के लिए जो है वबाल का बायस ना बने। आई होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।